नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि क्या होता है प्रोजेक्ट, क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मान लो आप। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की भी ये सेकंड वीडियो है मेरे चैनल पे। अगर आपको थ्योरेटिकल वे में चाहिए, मतलब लिखने के लिए कंटेंट चाहिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीपीटी फॉर्म में है वो वीडियो, बहुत पहले आई थी। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा अच्छे वे में डिस्क्राइब करेंगे फेस टू फेस, सामने सामने बैठ के। तो क्या होता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? जैसे कि हमने अपने पहले वाली वीडियो में सीखा था, प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्ट होता है कोई भी ऐसा काम जो एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव के लिए किया जा रहा है और उसका एक स्पेसिफिक स्टार्ट है और एक स्पेसिफिक एंड है। वन टाइम अंडरटेकिंग है वो, मतलब एक बार ही हम उस काम को कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक स्टार्ट है, एक स्पेसिफिक एंड है, उसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या हुआ? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हो गया कि कैसे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, कैसे आइडिया जनरेट होता है, कैसे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कोई प्रोजेक्ट और कैसे उसका क्लोजर किया जाता है। ये पूरा लाइफ साइकिल होता है एक प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो इसमें चार फेजेस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। क्या क्या वो चार फेजेस होते हैं? फर्स्ट होता है इनिशिएशन और आइडेंटिफिकेशन फेज। सबसे पहला होता है इनिशिएशन या आइडेंटिफिकेशन। प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक तरह से मतलब उस प्रोजेक्ट को डिफाइन किया जा रहा है। क्या क्या उसके अंदर नीड्स होंगी या क्या क्या उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हमें फुलफिल करने हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या क्या बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव या सोल्यूशंस होंगे, उन ऑल्टरनेटिव या सोल्यूशंस की फिजिबिलिटी एनालिसिस करना कि उनको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखना और फिर उसके बाद बेस्ट सोल्यूशन को निकालना उसके अंदर से। ये तो पूरा फर्स्ट फेज में आ गया। फर्स्ट फेज में हम प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं एक तरह से कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं आगे जाके। सेकेंड फेज आ जाता है हमारा प्लानिंग या फॉर्मुलेशन फेज। अब यहाँ पे हम प्लान करना शुरू करेंगे। अभी हमने डिफाइन कर दिया, सब कुछ पता चल गया, अब हम प्लान करना शुरू करेंगे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमने फर्स्ट फेज में प्रोजेक्ट सोल्यूशंस निकाले थे या अल्टरनेटिव्स निकाले थे, उनको और ग्रेटर डिटेल्स में पढ़ना। ठीक है, कि मतलब उसमें से बेस्ट निकाल दिया था हमने, अब उसको देखना कि इस अल्टरनेटिव के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या इसके अंदर करना होता है। इसके अंदर फिर इसके बाद स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, कैसे उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। उसके बाद इसके अंदर टाइम देखा जाता है कि कितने समय में इस प्रोजेक्ट को या इस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को पूरा करेंगे और किस कॉस्ट में करेंगे, टाइम और कॉस्ट देखा जाता है। ठीक है, हर एक एक्टिविटीज़ की स्केड्यूलिंग की जाती है, मतलब हर एक एक्टिविटी कब परफॉर्म की जाएगी। और उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन, मतलब काम सौंपा जाता है जो भी प्रोजेक्ट लोग होते हैं उसमें काम सौंपा नहीं, अभी कुछ नहीं किया, मतलब मैं गलत बोल गया, सौंपा नहीं जाता है अभी वर्क ब्रेकडाउन किया जाता है, मतलब किसको क्या काम देना है या बहुत सारे काम हैं उनको डिफाइन करना हर एक काम को। हाँ भाई, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, ये सारे अल्टरनेटिव्स में से ये हमें अच्छा लगा है, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, इतने दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इतनी इसमें कॉस्ट लगेगी और ये इसमें सारे काम होंगे, तो ये वर्क ब्रेकडाउन होगा। थर्ड आ जाता है एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब इस फेज में ना हम काम कर रहे हैं एक्चुअल में, अभी तक हम भाई कागजी कार्रवाई कर रहे थे, मतलब अभी तक एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे थे, बस सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे प्रोजेक्ट की। हाँ भाई ये प्रोजेक्ट है, हम इसकी प्लानिंग कर लेते हैं। अभी आ गया एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंट, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमने प्लान्ड एक्टिविटीज़ की थी उनको भाई डिफाइन कर लिया था अच्छे से, अब उसको परफॉर्म करने की बारी है, अब उसको एक्चुअल में करने की बारी है। और जैसे जैसे उस एक्टिविटीज़ को करेंगे, जो भी हमारी प्रोग्रेस होगी उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हुए चलेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई ये सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो इजीली वहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए, कि तुरंत के तुरंत वो ठीक हो जाए, बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो। और इसके अंदर क्या होता है, फिर प्रोजेक्ट टीम भी बनाई जाती है। कोई भी प्रोजेक्ट करोगे उसमें बहुत सारे लोगों को लोगे फिर आप, इसमें एग्जीक्यूशन फेज में होता है वो। ठीक है, पहले तो प्लानिंग में इतना नहीं होता है, एग्जीक्यूशन फेज में हम एक्चुअल में टीम बनाओगे कि हाँ भाई उसके बाद उनको काम दोगे कि हाँ भाई ये सारे काम हैं, इनमें से ये काम आपका, ये काम आपका और ये काम आपका। उसके बाद क्या होगा, जो टीम होगा उनको उनके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप काम करोगे ना इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करोगे। यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज होता है। ठीक है, लास्ट फेज होता है इसका क्लोज आउट या कंप्लीशन फेज, और उसको टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं कई बार। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, आपने जैसे प्रोजेक्ट कर लिया, आपको लगा कि हाँ भाई प्रोजेक्ट हो गया, तो ऐसा तो है नहीं होके मतलब करके बैठ जाओगे हाँ भाई
प्रोजेक्ट कर लिया हमने, तो ऐसा नहीं है। उस प्रोजेक्ट को भाई देखना पड़ता है लास्ट में कि एक्चुअल में वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हुए हैं सही से, इफेक्टिव वे में हुए हैं कि नहीं हुए, टाइम कॉस्ट सही से यूज हुई है कि नहीं जो प्लान फेज में हमने डिसाइड की थी। उसके बाद अकाउंटिंग की जाएगी कि हमारे कहाँ कहाँ पे खर्चे हुए हैं, क्या क्या हुआ है वहाँ पे, एक्चुअल में अकाउंटिंग की जाएगी, ठीक है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को एक रिपोर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कर लिया भाई उसको क्या दिखाओगे, जिसने प्रोजेक्ट आपको दिया है कि हमने प्रोजेक्ट कर लिया, उसकी एक रिपोर्ट शो करोगे कि हाँ भाई ये हमारे प्रोजेक्ट है, इतना इसमें टाइम लगा है, ये सारी चीज़ें हमने की हैं, और फाइनली उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दोगे। इसका एक एग्जाम्पल हो, जैसे आपको जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, कस्टमर क्या बोलते हैं हमारे एक वेबसाइट बना दो, ठीक है। तो एक तरह से वो कंपनी एक प्रोजेक्ट ले रही है वो वेबसाइट डिज़ाइन करने का, तो वो सारी चीज़ें कर लेगी, प्लानिंग कर लेगी, क्या क्या उसकी नीड होंगी, क्या क्या उस वेबसाइट में रहेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगी कि वो एक्चुअल में वेबसाइट डिज़ाइन शुरू होगा और टीम वगैरह डिसाइड हो जाएंगी कि ये आप करोगे, ये वाली डिज़ाइनिंग आप करोगे, कोडिंग ये करोगे, बैकएंड आप संभालोगे, ये सारी चीज़ डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद क्लोज होगा, वो क्लोज कैसे होगा, उस वेबसाइट के लिए अकाउंटिंग की जाएगी, इसमें इतने रुपए का खर्चा आया, यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें लगें, ठीक है। एक चिट्ठा तैयार किया जाएगा, उसके बाद वो वेबसाइट जो है फाइनल कस्टमर को दे दी जाएगी, हैंड ओवर कर दी जाएगी, हाँ भाई आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। और यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता कि हैंड ओवर कर दिया, हाँ ठीक है भाई टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर की अगर कोई क्वेरी आ रही है, कोई असिस्टेंट चाहिए कस्टमर को, उसके रिगार्डिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना, ये भी प्रोजेक्ट क्लोजिंग में ही आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीशन फेज हो गया प्रोजेक्ट का, कि प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, तब जाके आप भी सेटिस्फाई हो गया, सामने वाला कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। और एक इसी में एक मतलब नई टर्म आती है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट कब होता है, टर्मिनेशन मतलब आपका प्रोजेक्ट नहीं हो पाया, मान लो अब ये तो है नहीं कि सारे प्रोजेक्ट भाई कंप्लीट होंगे ही, और नहीं हो पाया तो क्या वो लाइफ साइकिल में नहीं आएगा, लाइफ साइकिल में आएगा, और उसको बोलेंगे हम टर्मिनेशन, कि आपका प्रोजेक्ट लास्ट तक नहीं जा पाया, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट किसी भी रीज़न एक्स वाई जी किसी भी रीजन की वजह से बीच में ही उसको स्टॉप करना पड़ा या उसको ख़त्म करना पड़ा, तो उसको बोल देंगे टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो यही था एक्सपीरियंस में, आई होप आपको पसंद आ गई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार सबको पता है कि नहीं भूलते हैं, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो ये टॉपिक सीखना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो, सही लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही आएगी, और देखते हैं हम क्या टॉपिक लेके आते हैं नेक्स्ट में, मतलब यही होगा कि इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में एक एक फेजेस है ना, इनके ऊपर एक एक चैप्टर बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे प्लानिंग फेज हो गया, फॉर्मुलेशन फेज हो गया, एग्जीक्यूशन फेज हो गया, इन सब पे एक एक चैप्टर है, तो इनको हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।